हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपको चंजू माता के मंदिर के जो पुजारी है ना, उनसे मैं आपको आज थोड़ी जानकारी प्राप्त कराता हूँ कि वो उसके बारे में बताएंगे। मैं मनोज कुमार, गांव कुंडा का निवासी हूँ। मैं जो हूँ अभी काली माता मंदिर चांजू में मूल रूप से कार्य में कार्यरत हूँ। ये मंदिर जो है बहुत काफ़ी पुराना है, मतलब आप बता नहीं सकते। दोस्तों, ये है चंजू माता मंदिर के हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए कितनी मान्यता है यहाँ पर। ये जो सारे लोहे के त्रिशूल हैं, लोग अपनी विश पूरी करते हैं, होती है तो यहाँ पर ये अपना एक त्रिशूल भेंट करते हैं माता के मंदिर में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना ट्रैक चंजू चद्दर से खालपरा के लिए अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, और ये 8 किलोमीटर का ट्रैक है जिसका ड्यूरेशन लगभग 3 या 4 साढ़े 4 घंटे का रहेगा। और ये मैं दिखा देता हूँ कि अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हम लोग सब लोग तैयारी कर चुके हैं और अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, और अब देखते हैं और कैसा एडवेंचर है आगे, और फिर आपको बताते हैं। ओके, दोस्तों अब ये यहाँ पर हम थोड़ा हाइट गेन की है, लगभग 1.5 किलोमीटर अभी नीचे से, और हम लोग आए हैं इस रास्ते से, ठीक नहीं है। यहाँ पर एक मंदिर है, ये आप देखिए, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। लो जी साथियों, गराटी पास का आज का हमारा पहला दिन, आज का हमारा स्टे होगा सिंगरू में, जहाँ हम आज रात को नाइट स्टे करेंगे। दोस्तों बहुत ही टफ रास्ता है, हाइट एकदम गेन कर रहे हैं और बहुत ही सकरा रास्ता है पेड़ों के बीच में से। ये आप देखिए कितना छोटा रास्ता है। देखिए दोस्तों, ये हम वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी हाइट है, जंगल भी बहुत घना है, और ये देखो सारे ट्रैकर, और ये हमारे गाइड पीछे त्रिलोक जी, और थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं ताकि आगे की चढ़ाई के लिए थोड़ी एनर्जी मिल जाए। आ चुके हैं हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर कुछ हम लोगों को खुला हुआ मैदान मिला हुआ है, और ये देखिए नज़ारे हमारे साथ हमारे ट्रैक बहादुर जी, इनके अभी 2 साल रह गए 50 ईयर्स ओल्ड, और धर्मपाल जी हैं ये भी 55 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये धर्मपाल जी हैं, इनका अगले साल रिटायरमेंट है। इतने अच्छे ट्रैकर हैं, और ये देखिए आप नज़ारे हमारे सौरभ कालिया जी, बहुत बढ़िया, और ये आप देखिए नज़ारे, क्या व्यूज़ हैं दोस्तों। झरना देखिए आप, ये वैली देखिए आप।
दोस्तों आज हम अपने बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। कौन क्या जगह का नाम क्या जी है, क्या जगह का नाम है? अलियास। आज हम अलियास में पहुंच गए हैं। आज हम नाइट स्टे यहीं करेंगे और कल फिर सुबह हम लोग आगे के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा यहीं पे नाइट स्टे होगा। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था चांजू से और अलियास हम लोगों को लग गया सुबह, हम लोग 7 बजे निकले थे, अभी कितना 2 बज रहा है, तो 2 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। कल फिर स्टार्ट करेंगे वहाँ जहाँ ऊपर आपको दिख रहा है, कल वहाँ पर हम लोग रुकेंगे। ये हमारे टेंट है जिसमें आज हम रात यहीं पर रुकेंगे, उसके बाद कल का ट्रैक स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक वो है टेंट। गुड मॉर्निंग साथियों, आज हम अपना ट्रैक आगे के लिए चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हमारा टेंट और हमारे साथी तैयार हो रहे हैं, सामान वामान पैक कर रहे हैं अपना, और इसके बाद हम लोग यहाँ से बेस कैंप के लिए निकलेंगे। जो भी कहाँ 4-5 किलोमीटर का हमारा ट्रैक है और थोड़ी हाइट गेन करनी है, इसलिए थोड़ा रात को नींद तो इतनी कोई ख़ास नहीं आई, क्योंकि पहाड़ों पर तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको नींद थोड़ी कमी आती है और भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन ठीक ठाक रहा कल का दिन। और आज देखते हैं बेस कैंप तक जाके, फिर कल हम लोग दराती पास को क्रॉस करेंगे। तो अब हमारी पैकिंग हो रही है और थोड़ी देर में हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने ये चोटी फतह की है, अब इसके बाद ये हमको वहाँ पर जाना है ये झरने से होते हुए। दोस्तों देखिए हमारे ट्रैकर सारे आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए पानी का झरना, वाटरफॉल, कितनी अच्छी जगह है। आज अपना जो लंच करेंगे आज पहुंच चुके हैं। ये हमारे साथी हैं जो पहले आ चुके थे, और ये हमारे गाइड पोर्टर, ये अपना लंच की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ साथी हमारे वो आ रहे हैं नीचे मज़े लेते हुए, एंजॉय करते हुए, वैली का मज़ा लेते हुए। Oh,
सराउंडिंग हुई है बारिश के कारण। अंदर से दिखाते हैं आपको, ये सामान रखा हुआ है हमारा। दोस्तों दृश्य देखिए आप, आज हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया आप देखिए क्या व्यू है। कल सुबह यहाँ से हम लोग दराती पास के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे जो कि 18 किलोमीटर है, जो सीधा हम लोगों को टिंडी लेके जाएगा। वहाँ पर हम लोग रुकेंगे, अगर बीच में मौसम ख़राब रहा तो हमको बीच में भी रुकना पड़ सकता है, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा ट्रैक है और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। बहुत कम लोग आते हैं, YouTube पर भी मैंने इसको नहीं देखा हुआ है, लेकिन ट्रैक थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ अच्छे व्यूज़ आपको मिलेंगे, प्रकृति का आनंद लीजिए। और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर वैली है, और कल देखते हैं कल क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर केवल प्रकृति की चलती है, यहाँ पे ना आपकी ना मेरी, हम लोग जिद नहीं कर सकते। जैसा प्रकृति का मौसम रहेगा, आज तो मौसम अभी खुला हुआ, अभी मौसम बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, अब तो काफ़ी साफ़ हो गया है और काफ़ी साफ मौसम आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो कल देखते हैं, अगर मौसम सही होता है तो कल ट्रैक स्टार्ट होगा, और अगर पास कर पाए तो कल उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। देखो दोस्तों, ये हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है आपका इलियास से, बहुत ही टफ ट्रैक है। सुबह के 4 बजे स्टार्ट किया था, अभी 5 बज रहा है, और ये देखिए सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ साफ, ये हमारे सीनियर ट्रैकर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में धर्मपाल जी, सुखचैन, और इस तरह से सारे ट्रैकर बैठे हुए हैं। और आप देखिए स्लोप, कैसे स्लोप पर बैठे हुए हम लोग, और ये मैं ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरे जैकेट वगैरह सब कुछ। अभी आपको थोड़ा रोशनी कम दिख रही है, थोड़ी सूरज अभी चढ़ा नहीं है। ये देखिए किस तरह से हम लोग माता रानी के जोत के लिए जा रहे हैं धराती पास, किस तरह से हमारे फ्रेंड, ये देखिए खड़ा पहाड़ नीचे, कितना खतरनाक। ये हमारे सोडीपा जी हैं, और ये परविंदर सिंह जी हैं, ये क्रॉस कर लिया बहादुर जी हैं, और ये हरप्रीत हमारे टीम लीडर। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह से स्टेप रख रहे हैं। हाँ जी, तो अरे हमारा ट्रैक अर्ली मॉर्निंग 4 बजे स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ वीडियो बनाई थी लेकिन उसकी क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन अब थोड़ी 6 बजने का टाइम हो रहा है और थोड़ा रोशनी भी आ गई है। और देखिए हमारे ट्रैकर हरमीत पाजी, थोड़ा हटना, ये देखिए हरमीत पाजी थोड़ा हटना, मैं दिखाता हूँ, ये क्रॉस करके आ रहे हैं, और ये हम लोगों ने क्रॉस किया है, अब हमको इधर जाना है, ये जो झरना आपको दिख रहा है छोटा सा गिरता हुआ, हमको इधर अंदर की तरफ जाना है, और ये पूरा क्रॉस हमें करना है आज ही, वो भी 12 बजे से पहले, क्योंकि मौसम ख़राब होने की संभावना है यहाँ पर। 12 बजे के बाद पहाड़ों पे मौसम ख़राब हो जाता है, और ये तो माता रानी की कृपा है, अगर माता रानी कहेंगी तो हम ज़रूर क्रॉस करेंगे, आज उनका जैसा आदेश होगा वो पालन करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बहुत ही टफ ट्रैक है और बहुत ही तैयारी चाहिए।
बहुत बड़ी उपलब्धि आज RCF रील कोच ट्रैकिंग एसोसिएशन ने हासिल की है। हमारे गाइड और हमारे पोर्टर के माध्यम से इनका बहुत सहयोग रहा है। इनके बारे में मैं आपको नीचे पूरा डिटेल से इनका इंटरव्यू बताऊंगा। हम लोग इस समय दराती पास पर हैं और मौसम देखिए कोहरा है। ये पूरा व्यू देखिए दराती पास का आप, और माता का मंदिर। माता देवी की कृपा से आज हम लोगों ने दराती पास किया है और माता रानी ऐसी कृपा हमारे एसोसिएशन पे माता रानी खुश हो गई। लोगों के छींटे भी फेंकने चालू कर दिए। जय माता दी, जय हो माता दी के रूप में। ये उस साइड ये है स्पीति वैली जो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, लाहौल स्पीति। ये ग्लेशियर है नीचे, इस वैली में हमने उतरना है अब। और ये जो है जिस साइड से हम लोग आए हैं, ये आपका चुरा वैली से होते हुए हम लोग आए हैं। और हम लोग सुबह 4 बजे के निकले थे और अभी पहुँचे हैं। टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है हरप्रीत? 1:40 यानी सुबह 4 बजे से लेके हम लोग कंटिन्यू हाइट गेन कर रहे हैं, कंटिन्यू। और हाइट गेन करने के बाद हम लोग लगभग 4,500 से ऊपर है इसकी हाइट, यहाँ पर पहुँचे। मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है, साफ हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर नीचे का दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों आसान नहीं है ये ट्रैक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये आसान नहीं है ट्रैक। लेकिन कहते नहीं है कि जब आपके अंदर हिम्मत होती है तो प्रकृति भी आपको साथ देती है। और इस जगह पर हम पहुंचे हैं ना, तो केवल प्रकृति की ही वजह से है कि ये प्रकृति ने आज हमें यहाँ बुलाया है। बिना प्रकृति की मर्जी आप किसी भी पास को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। जब उसकी मर्जी होगी जब भी आप क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि मौसम कभी भी अचानक खराब हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। वाली माता की जय, चंजू वाली माता की जय, कुंडी वाली माता की जय। बोले सोनिया। ये हम लोग नीचे उतरते हुए नीचे ग्लेशियर है। हाँ ठीक है जी, देखिए उतरना भी बहुत टफ है।
सुबह हो चुकी है और अब देखते हैं। गुड मॉर्निंग, हमने रात बहुत बढ़िया काटी है, बहुत बढ़िया काटी है सर। इसमें ये सामान रखा हुआ है हमारा, माधव जी ये हमारा स्लीपिंग बैग, ये हमारा रक्षक, ये हमारी मैट, ये बहादुर जी अपने स्लीपिंग बैग में। साथियों, हमने अपने रक्षक, अपना बैग और टेंट पैक कर लिए जो यहाँ लगा था, क्योंकि हमें निकलना है टिंडी के लिए। और यहाँ से ट्रैक है लगभग 6-7 किलोमीटर का, आगे आपको बताते हैं। फिर मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है, कोहरा है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, ट्रैक के रास्ते हम लोग यहाँ आ चुके हैं। टिंडी गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा टिंडी विलेज, ये दोस्तों इस रास्ते से हम लोग आए हैं। ये छोटा सा जो रास्ता है ऊपर से, वहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड लगा हुआ है लाहौल स्पीति। ये रास्ते से हम लोग आए हैं, छोटा सा जो रास्ता है। चलिए माता का मंदिर दर्शन करने चलते हैं। माता के दरबार में जाते हुए टिंडी माता का मंदिर है। ये टिंडी माता का मंदिर है, इसी के टिंडी माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हुए। देखिए दोस्तों ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिंडी, और यहाँ पर हम आए हैं। हमने यहाँ माता के दर्शन किए हैं, और हमने हमारे गाइड और उनके दो सहायक से आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। एक हमारे हैं, आपका नाम? मोहन सिंह।
नेम सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो आपने तो इसके अलावा काफ़ी ट्रैक कराए होंगे। हाँ जी, लेकिन दराती पास वाला ट्रैक वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। हाँ जी, और आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था ये ट्रैक। आप लोग पांच लोग जो सहायक और एक मैन जो गाइड थे तिलकराज जी, और आप लोग ने बहुत हेल्प की। इम्पॉसिबल ट्रैक था आप लोगों के बिना, और आप जैसी टीम ही इस ट्रैक को करा सकती है। तो इसलिए आगे अगर कोई भी ट्रैक जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप इनसे कांटेक्ट जरूर करें। यस सर। आपका नंबर ज़रा बता दीजिए। 88-288-87-479। एक हमारे दूसरे गाइड हैं, जो दूसरे सहायक हैं गाइड के, अनिल कुमार। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरपुर के। इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, इनने भी बहुत हेल्प करी, पूरे टीम को खींच खींच के लेके आए एंड तक। मतलब इस तरह का इन लोगों ने जज्बा दिखाया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और इन लोगों के बिना ये ट्रैक बहुत ही इम्पॉसिबल था, बहुत ही टफ ट्रैक है, डिफ़िकल्ट ट्रैक है दोस्तों। इसके लिए इन जैसी टीम होना बहुत ज़रूरी है। आपका नंबर कितना है? 88-940-75-407। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, इन लोगों ये इन जैसी टीम ही इस ट्रैक को करा सकती है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं करा सकता है। आज हम ये ट्रैक पूरा कर पाए ना, पॉसिबल नहीं था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडी में पहुँच गए हो। ठंडी में पहुँच गए आपके सहयोग से, और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक और डिफिकल्ट ट्रैक करें। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।